नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Google Pixel 8a 5G versus Vivo V40 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Pixel 8a 5G में 5.99 इंच जबकि V40 Pro में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Pixel 8a 5G में 2.86 इंच जबकि V40 Pro में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Pixel 8a 5G में 0.35 इंच जबकि V40 Pro में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Pixel 8a 5G में 189 ग्राम जबकि V40 Pro में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Pixel 8a 5G में OLED जबकि V40 Pro में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Pixel 8a 5G में 6.1 इंचेस जबकि V40 Pro में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Pixel 8a 5G में 1080x2400px FHD+ और V40 Pro में 1260x2800px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Pixel 8a 5G में 81.24% जबकि V40 Pro में 89.91% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Pixel 8a 5G में 431 पिक्सल प्रति इंच जबकि V40 Pro में 453 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Pixel 8a 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और V40 Pro की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Pixel 8a 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और V40 Pro की बात करें तो उसमें 4 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Pixel 8a 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और V40 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Pixel 8a 5G में Immortalized G715MC10 जबकि V40 Pro में Immortalized G715MC11 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Pixel 8a 5G में Google Tensor G3 और V40 Pro में MediaTek Dimensity 9200 Plus मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी Pixel 8a 5G में 4492 mAh जबकि V40 Pro में 5500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Pixel 8a 5G में 4 कलर्स जबकि V40 Pro में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Pixel 8a 5G 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 59,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें V40 Pro की तो वो 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 39,999 रुपीस में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Google Pixel 8a 5G में 5 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Vivo V40 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में V40 Pro आगे है, मेन कैमरा में Pixel 8a 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S24 5G है, दूसरा Honor 200 Pro 5G है, तीसरा Xiaomi 14 Civi 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT6 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।